दादा सिंह सभा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज बहुत शुभ दिन है, इस शुभ घड़ी में सब एकत्र हुए हैं। हमारे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350 साल शताब्दी जन्म उत्सव, जिसको प्रकाश उत्सव कहा जाता है पंजाबी में, उसके लिए हम लोग नगर कीर्तन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सभी गुरुद्वारे न्यू बॉम्बे के और बहुत समूह जत्थे जो कीर्तन जत्थे हैं सेवादार इकट्ठे हुए, ये नगर कीर्तन यहाँ से शुरुआत होगी और वासी गुरुद्वारा सिख सभा में समाप्ति होगी। इस खुशी में आप सबको बहुत बहुत बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जहाँ हमारे सब बहन भाई खड़े हैं, दूसरी भाषा के मैं हिंदी में बात करता हूँ। आप सब संगतों को आज का शुभ दिन, जो हमारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पातशाह उनका 350 साल जो प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है 5 जनवरी 2017 को, उसके संबंध में जो नगर कीर्तन कोपर खेरना गुरुद्वारा से वाशी गुरुद्वारा तक जा रहा है, न्यू बॉम्बे के और बॉम्बे के सब गुरुद्वारा साहब, सभी संगतें, सभी सभा सोसाइटियाँ मिलके जो इतना बड़ा प्रोग्राम नगर कीर्तन का कर रही है, आप सबको जे शुभ दिवस की हार्दिक तौर से बहुत बहुत बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका 350 साल प्रकाश पुरब 5 जनवरी को आ रहा है, बड़े ही चाह से नवी मुंबई के सारे गुरुद्वारे, सुप्रीम काउंसिल, बम्बई के दादर सिंह सभा, बम्बई के सारे गुरुद्वारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये मन में सारे सिखों के मन में बहुत चाह है, बड़े चाह से आज हम कोपर खेरना से नगर कीर्तन, जिसकी शुरुआत होएगी अभी थोड़े समय में, और बाशी विखे ये समाप्तियाँ होंगी। हमारे मन में बड़ा चाह है कि हमारे 10वें गुरु का 350 साल प्रकाश पर्व 5 जनवरी को आ रहा है, बड़े चाह से हम गुरु के शब्द कीर्तन करते हुए आज जो समाप्ति तकरीबन 7 बजे होएगी, एक खुशियाँ की सारिया संगतों को बहुत 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 बधाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। आज हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 350वां जन्म दिवस पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। गुरु साहब का जन्म स्थान आप जानते हो श्री पटना साहब, जहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगुवाई के अंदर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं पे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये जो पर्व है सारे हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ भी कोपर खेरने की जितनी भी संगत है, प्लस उसके अलावा जितने भी न्यू मुंबई के गुरुद्वारा साहब हैं, उनकी सारी जथेबंदियाँ मिलके यहाँ पे संकलित हुई हैं, और यहाँ से बड़े प्यार सत्कार के साथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बहुत बड़े नगर कीर्तन को हम मेन रोड से होते हुए श्री वाशी गुरुद्वारा में जाएंगे, जहाँ पे रास्ते के अंदर सारी संगत मिलके गुरु के कीर्तन, गुरु के जस गाते हुए वहाँ पहुँचेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज ये जो प्रोसेशन निकल रहा है, ये हमारे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रकाश पुरब की खुशी में, जिसको हम शताब्दी के तौर पर मना रहे हैं, उस खुशी में ये नगर कीर्तन जो है वो चल रहा है। इस गुरुपुर्व को, इस प्रकाश पुरब को सारी दुनिया में बहुत ही ऊंचे पदर के ऊपर मनाया जा रहा है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो 45 साल की उम्र में जो कुछ किया, वो किसी पैगंबर ने ना पहले किया ना कोई आगे करेगा। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दी, अपने चारों साहबजादे की बलिदान कर दिए इस देश की खातर, इस कौम की खातर अपनी माता जी की कुर्बानी दी। ऐसा कोई भी पैगंबर आज तक नहीं हुआ और ना ही पैदा होएगा। और सबसे बड़ी देन जो हमको उन्होंने दी है, जो आज हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, ये दी है। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे सिख
सिख कौम के लिए ही नहीं है, पूरी मनुष्यता के लिए है। इसमें जो भी लिखा है वो इंसानियत के लिखा हुआ है। जो भी अगर आदमी इसको अच्छी तरह से स्टडी करे, पढ़े, तो मेरे ख्याल में उसके ख्यालात ही बदल जाएं। और मेरी अपील है, सबसे अपील है कि गुरु ग्रंथ साहब जी का मतलब ज़रूर करें। अगर हम लोग ये पूरी दुनिया में इसको पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में जो ये मेरे निजी ख्याल आता है कि जो आजकल हर मुल्क जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपया अपने असले के लिए लगाता है, वो जो है ख़त्म हो सकता है। ये भाईचारे की तरह से हम लोग आपस में रह सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे गुरु का, ऐसे दशम पिता का बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही महानता से जो है एक गुरुपर्व हम लोग सब मिलकर मनाएं। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों के अंदर हाजिर सरबत संभाली बना के रखो। उस तो बाद नगर कीर्तन की आरंभता होगी। तो आप जी ने अपना प्रचार कर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब दी सारना अंगीकार हो मन आए दसिया जिन इच्छा सब पूजाइया सदा कुर्बानित कहते पवित्र बिन मंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। जी जिठे सब तुजै ते बहद सिमरिए घर नानक आवे ताए सब थाए सहाय। दसवें हंत के खालसा जी बोलो जी। सदन दल सिद्धा नाम दल श्री अमृतसर जी दे दर्शन स्नान चौकियां चंडे भुगे जुग हो जुग टल। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन हजूरी में वाहेगुरु जी का और उन्होंने माणी जो सत्कार है वो पंच प्यारे साहबाना का है। सो संतान और नगर कीर्तन के लिए कंट्रोलर भी रहा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 350ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਜੁੱਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਦੇ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਪਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨ ਖੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੱਟਾ ਲਿਆ।
इजाजत देने की ऐसी देने सेवा करनी है। ਸਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੋ ਜਿਸ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਗਿਆ ਕਿਸੂਰੇ।
बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। लोधा गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक बेनती है कि जल्द जल्द सोनिहार, बोले सोनिहार। एसपी स्कूल में गड्डी दे जो ड्राइवर हन सोनिहार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी खेल माणिया।